भजन कीर्तन बाटे धीरज कांत के यूट्यूब पर देखे के राम ध्यान तबला वादक के यूट्यूब पर देख ले के बा मंदाकिनी मिश्रा के अनुजा कौन भारती बारी उंकर सृष्टि लक्ष्मी और बाबा के बा टोटली मिलियन में सब्सक्र, सब्सक्राइबर लोग हाँ उ भजन गायिका टोटली भजन गायिका के प्रोग्राम बटे और संध्या पाँच बजे से बनारस बनारस के बाबा बनारस के एगो टीम आवता जौन दू घंटे जी दिव्य आरती हुई पाँच जून के ओ आरती में तो हर एक लोग के सम्मिलित होके के, के चाहिए ओसे ओसे अपने आप के आरती में सम्मिलित होकर बाबा के महोत्सव में सम्मिलित होकर अपना के, हो के चाहिए आ, बी ए बी कॉम बी एस सी एम एम कॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नो से सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डी ए वी पी जी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान निकोरिया मासिक अनियमितता बच्चेदानी में गांठ बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से सौ कदम पूरब डॉक्टर कॉलोनी सिवानी अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें देखिए अभी ग्यासपुर धारा धाम में मौजूद बानी जहाँ पर देख सकता नहीं की अभी तैयारी जोर शोर से चल रहा है भंडार गिरी लगभग हम बात करी तो लाखों के संख्या में श्रद्धालु वाला बड़े अनुयायी आया वाला बड़े वा, और प्रसाद केहू भी असन भक्त करके प्रसाद दे के ना भेजल जा तमाम सभी प्रसाद दे के भेजा जा जा। और जाओ तरफ देखी बड़ा बड़ा डेक्चा बाटे लगभग तीस हजार के आसपास खाली ऐसी सेवक रहे कि जे भी श्रद्धालु से ओकरा के तमाम सभी चीज़ के आ, प्रसाद के रूप में खिला और विशेष जानकारी हम लेता नहीं कि जो महामहोत्सव आ सुलवाभा परिमाण दिवस के लिए के पाँच जून के अगर हम कार्यक्रम के बारे में बात करें तो कार्यक्रम सुनने में आ रहा है कि बड़ा स्तर पर होने वाला है तो कौन कौन तबला वादक आ रहे हैं कौन कौन कथावाचक आ रहे हैं सबसे पहले आपका चैनल का धराधाम ग्यासपुर महामहोत्सव में हार्दिक अभिनंदन है श्री संत शिरोमणि साहिब बाबा के इस पवन पुनीत धर्मस्थली पे पूर्ववत कार्यक्रम के अनुसार हर साल की मात विगत कई वर्षों से इस प्रकार के महामहोत्सव का कार्यक्रम चलता आ रहा है और इस साल भी बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को संपादित किया जाएगा पूज्य श्री सरकार जी की अध्यक्षता में नुँ। नुँ। इस कार्यक्रम को बहुत बढ़िया निरंतर रूप से आगे बढ़ाया जाएगा और इस विषय को हम बहुत ज़्यादा नहीं बता पाएंगे आपको लेकिन हम जब से इस धराधाम से जुड़े हुए हैं हमने बहुत सारे संत देखे हैं बहुत सारे व्यवस्था देखी हैं लेकिन इस प्रकार के अद्भुत दरबार और अद्भुत संत की आशीर्वाद करुणा शायद ही कहीं प्राप्त हुआ होगा और हमने भी अध्ययन और अध्यापन किया है लेकिन हमारे जीवन के जो दीक्षित गुरु हैं और शिक्षा गुरु होते हैं तो शिक्षा तो हमने बनारस से प्राप्त किया और दीक्षा गुरु हमारे पूज्य सरकार जी के अध्यक्षता में हुआ है और बहुत ही हर्षोल्लास हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और पाँच जून को जो कार्यक्रम किया जाएगा उसके संदर्भ में बता दूँ कि यहाँ तमाम जो बाबा के अन्यान प्रदेशों से आने वाले भक्त लोग हैं एम्स नई दिल्ली व सफदर जंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान मोबाइल नंबर नाइन और सेवन नेपाल यूपी बिहार बंगाल इत्यादि क्षेत्रों से यहाँ बाबा के जो भक्त लोग आते हैं और तकरीबन पाँच लाख के संख्या में यहाँ भक्त लोग आते हैं पाँच लाख जी सर पाँच लाख संख्या में लोग आते हैं कम से कम और बाबा की असीम कृपा है कि वो आते हैं और बड़ी इतमान से बाबा का पूजन करते हैं और खुद सरकार जी का दर्शन करते हैं गैदरिंग वगैरह नहीं ना होता पाँच लाख आते हैं लोग कुछ नहीं बाबा का असीम कृपा है और पूज्य सरकार जी की विशेष आशीर्वाद है कि यहाँ इतने सारे लोग आते हैं लेकिन कतई कोई न किसी एक प्रकार का कोई टिक्का टिप्पणी होती है और ना कोई वार्ता होता है ना कोई यहाँ पे भगदड़ होता है और न किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो, किसी को पांच होती किसी को पाँच लाख लोग आते हैं पाँच लाख लोग को प्रसाद के रूप में सारे जी सर आप देख पा रहे हो कि जितनी व्यवस्थाएं रखी हैं और भंडार गृह में बहुत सारी व्यवस्थाएं रखी हैं तो हमने अपने व्यवस्था के अनुसार जैसे हमारे गुरुदेव भगवान है सरकार जी की अध्यक्षता में इस चीज़ का अनुमान किया है कि तक पांच लोग की भंडारी की व्यवस्था यहाँ की गई है पांच जगह पे एक ही जगह पांच लाख लोग की व्यवस्था की गई है सुबह से रात्रि तक ये व्यवस्था रहेगी और तमाम लोग यहाँ आएंगे और सबके रहने की व्यवस्था है खाने की व्यवस्था है सबके बजाय सम्मान की जाएगी इस प्रकार महा महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है महा महोत्सव कार्यक्रम तो देख सकत तनि कि जो महा महोत्सव बाटे एक अपना आप सिवान जिला खाति ऐतिहासिक बाटे संजय सिंह जी, जी मौजूद बनी और यहाँ के अगर हम बात करी तो बहुत दुख में रह लेकिन जब से ये जी आश्रम में लात लगनी तब तो से यहाँ के दिन बदल गई बात सही बात एकदम सही बात है तू तो ही घर के लड़के बार माई से हम अवगत रह तब न पूछले कहता बहुत दुख में रहनी अब धरती पर माई से बड़ा कोनो चीज़ है नहीं है माई से बड़का कोनो चीज़ नहीं है माइए हमार मृत्यु के करीब रहली अठवा स्टेप पर रहली आ पूज्य सरकार जी से बात हमरा सरकार जी नेपाल रहनी हम कनी कि सरकार बताई कि माता जी के हमारा रहे के जाए के बा सरकार दस मिनट के बाद तो कहनी कि माता जी के नाती के शादी उदी करे के बा अभी जाए वाल कहाँ बात बा तो हम वही बेरा मन टूट गल रहे तो हम वही बेरा एकदम स्ट्रांग हो कि अब जाए के जब नहीं खे तो नैखे खे जाएगा दवा से ठीक कराइए लिखा जाए सरकार जी के आदेश भरपा कहनी कि कोनो डॉक्टर की यहाँ भर्ती कराओ ना वह दवइया काम करे लगी हम सिवान रेफर माई रहे। आ वही जी भर्ती करवानिया दवा सुन गल वे औषधि हो गल सरकार के बात अमृत खानी उ दवा काम कर माई हमारे फिट फॉर से का अपील करे चाहे पाँच जून के लेके पाँच जून के अपील हम करम है जे संत शिरोमि श्री साहेब बाराहवा महामहोत्सव सा हटे जनखे आयिल जनखे सुनल जनखे देखल जे ना सुनल बाटे जी ना आ पाएल ओकरा से हम निर्होरा करेम आग्रह करें विनती करम कि भाई पाँच जून के दसों बीस मिनट खाती ये, खाली आके चल जाए में कौन नुकसान हो जाएक भाई जी कौन चीज लागे जा रहा है अब पाँचें दस मिनट खातिर तारा बुझा जाए कि गईनी कतना बढ़िया जगह यही जी नजदीक रह के खे आ ना जतन है गईनी हम तो एक साल में अपन देख लोकबा टक्का करे बा के अगला महोत्सव के बेरा ले अपने आप के मिला के लेकिन हम एक किलो के वजन में सरकार की यहाँ वही नहीं एक किलो एक सौ भी कि नौ सौ हो गईनी का करे के में बाड़ रा लागल ना और वह दुनिया के सोनपुर मेला में चल जतनी मोनिए के मेला में चल नहीं तो तहो मिलन बाटे महोत्सव मेला बाटे हम नहीं खाते बच्चा बने के महोत्सव मेला हटे मेला में आई ये जी प्रसाद ग्रहण करी ये जी तो कुछ लागे के भी नहीं है प्रसाद कह अमृत के रूप में हाँ मान कितना बात हम बताई बहुत बात बाटे बहुत टाइम लगी बोले बात बतिया खातिर अए जब आस्ते आस्ते तो तो समझ में आजी के बात विज्ञान के युग में फुर्सत बाटे भेरा परसेंटेज दुनिया में परसेंटेज लोग स्वार्थी बाटे सेल्फिश बाटे बिना लालच बिना स्वार्थ के कहीं कहू जाए के, के नहीं खींचाहत हम ऐसा आदमी इस युग में विज्ञान के युग में पूरा टाइम पूरा जीवन अपन दान कर दिल बा आदमी बाबा खातिर का बात बा भाई हम कहीं जती कमाइम दस बीस पचास हजार कमाई नहीं लगती लेकिन दस बीस पचास हजार खर्चा कुकसान कहते हैं कि वो कुछ नहीं है बाबा के आगे बाबा के शरण में बानी बाबा के शरण बानी तो सब चीज़ मैंने हमार सब चीज़ बहुत सुंदर बा। जे लोग के बान्हा जानता उ जानता कि बहुत सुंदर बाटे ठीक बा तो हम बहुत सुंदर बानी नहीं। नहीं। आ संतोष बाबा से क्वेश्चन कर भजन कीर्तन के बारे में तुम अके नहीं। नहीं। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा आईटीआई आई इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ पपौर तरवारा रोड सिवान आईटीआई के साथ साथ आई करें अच्छे मार्क्स के साथ पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे चालीस बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब वाईफाई कंप्यूटर क्लासेज स्पोकन क्लासेज छात्रवृत्ति जिम लाइब्रेरी बैग ड्रेस आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री एक बार पेमेंट करने आरोप पच्चीस की छूट

राम ध्यान तबला वादक के यूट्यूब पर देख बा मंदाकिनी मिश्रा के अनुजा कौन भारती बारी ओंकर सृष्टि लक्ष्मी और बाबा के बा टोटली मिलियन में सब्सक्र, सब्सक्राइबर लोग एक तो से 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 बड़ा फॉलोअर फॉलोअर हाँ वो सब भजन गायिका टोटली भजन गायिका के प्रोग्राम बाद संध्या पाँच बजे से बनारस बनारस के बाबा बनारस के एगो टीम आवता जो दू घंटे जी दिव्य आरती हुई पाँच जून के ओ आरती में तो हर एक लोग के सम्मिलित होके चाहिए ओसे ओसे अपने आप के आरती में सम्मिलित होके बाबा के महोत्सव में सम्मिलित होके अपना के ऊर्जवान होके चाहिए आके लागत का बा यार आस्ते आस्ते ये साल के आएल तो अगला महोत्सव में आए जाइ महिमा तक तो बरसे ला नु कि हंड्रेड परसेंट ना ए, थ, एक हज़ार परसेंट लोग स्वार्थी बा जब तो रोहित पर महिमा लगी तो रोहित के बगल लोग कहीं कि भाई कहाँ गसपुर धाम में गोल हट जहाँ तब से एक दशें चेंज हो गई तो ना चाहे वाला तार खिलाफ लोग तार ऑप्चनिटी में आवे लगी आवे आवेदन बढ़ी बा महिमा फ्री में बरसत फ्री में खाली आई माथा टेकी अपन दुख दर्द हो बाबा, बाबा आजो जिंदा बनी वहाँ के सब सुनैनी जौना भाव से बाबा के लेहम जौना भाव से बाबा के समझम जौना भाव से बाबा से रुपए कुछ दुख सुनायम वही भाव से तुरंत पिक मैंने तुरंत कृपा कि अगर तैयारी के बात कही जाओ तो एजी जे भी अगर भक्तगणा हुआ ताटे दान पुण्य कर सकें ते ए जी प्रसाद वितरण हो फिर बार देख कि बड़ा स्तर पर लगभग हम बात करी तो जब संत शिरोमणि श्री साहेब बाबा के महोत्सव जन हो रहा बटे लगभग कई वर्षों से चलता आ रहा वैसे निकल भंडार गृह में मौजूद बनी कि लगभग भंडार गृह में बहुत सारा लोग वो दिन पहुँची वो दिन प्रसाद वितरण हुई लगभग ये जी कहा जाता कि तीस हजार से अधिक जी खाली आ, जे भी ए, आ, साहेब दरबार के सदस्य बाटे प्रसाद वितरण करेला और अभी देखिए महिला पूरा लागुल बो और श्रद्धा अनुसार ए जी आ, आपन अपन दान पुण्य कैले बा और एक महोत्सव के बा, बड़ा बनाए खातिर एक बड़ा स्तर पर ले जाए खातिर श्री साहेब दरबार में जन तैयारी बाटे एक महीना से ही शुरू बाटे लेकिन धीरे धीरे वह देख कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ तटे वैसे वैसे तैयारी पूरा होल जाए तटे भंडारगिरी पूरा भरल बाटे और प्रसाद जी के जन होला काफ़ी शुभ मानल जला और जे भी प्रसाद लेके जला काफ़ी ज्यादा खुश हो जला अभी जन देखी दूर दराज से संत लोग अब भी आवेला संत लोग के आगमन भी होला और संत लोग जी आ, के बैठे रहे खातिर जी काफ़ी बेहतर ढंग से विधि व्यवस्था भी रखल गल ब देख सकते कि अभी बन के तैयार हो रहा बा और देखी उन्हें हो दिखाए के चाह कि बहुत सारा डेक्चा मौजूद बा बाचा के मतलब ये लगभग तीस हजार जन श्री साहेब दरबार के सदस्य लोग बाटे जे भी भक्तगण आए आवेला आकर प्रतीक लोग खा, खा खास ख्याल रखे के बाटे और प्रसाद वितरण करे के बा और भी चीज़ बाटे जो महा महोत्सव के रूप में देखा जाला वो उ, उ, उ चीज़ के दखाए जा रहा बनी और बहुत सारा ऐसा साहेब दरबार के भक्तगण लोग बाटे जो अपना श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करेला और जौन महोत्सव के बाटे काफ़ी दूर दराज तक फैलाए के प्रयास करेला और जनसहाय दरबार के कृ, कृति बाटे दूर दूर तक जला